और एक क्लॉज है हमारी ऑर्डिनेंस में कि आप क्लियर कट रूल के हिसाब से मत जाइए, और इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और जो भी यहाँ पे बात रखी गई है उसके हिसाब से जो मेरा अपना मानना है, मैं भी इसी की मेंबर रह चुकी हूँ पहले, बड़ा साफ है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी वो डेट नहीं बन सकता है जिस दिन से जो प्रोफेसर क्लेम कर रहे हैं वो उनकी प्रोफेसरशिप उस दिन से गिनी जाए। जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये डिसीजन लेती है कि ये अपॉइंट हुए हैं तो उस दिन से वो माने जाएंगे। जहाँ तक कि दूसरे प्रोफेसर जिनका बाद में प्रमोशन होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, वहाँ पे हम मानते हैं कि वो प्रोफेसर पहले से माने जाएं, हमारी ड्यूटा की पोजीशन है। लेकिन एक कोर्ट केस मेरे ही ज़माने में, जब मैं ईसी में मेंबर थी लेट नाइन्टीज में, उस टाइम के बाद ये क्लियर हो गया था कि जिस दिन प्रोफेसर बेचैन प्रोफेसर अपॉइंट हो गए उस दिन जिन लोगों का रेट्रोस्पेक्टिवली बाद में हुआ, कुछ और साथी हैं जिनका ऐसा केस है, उस दिन वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, इसलिए हालांकि उनको बाकी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जब सीनियोरिटी का सवाल हेडशिप के लिए होगा तो पहले जो लोग 2010 फरवरी में अपॉइंट हुए थे उनको पहले मौका दिया जाएगा हेडशिप का। ये एक जगह है। ये भी सही कहा लक्ष्मण ने कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स और डिपार्टमेंट्स में भी हुए हैं, जहाँ भी हुए होंगे। और एक क्लॉज है हमारी ऑर्डिनेंस में जहाँ पे वाइस चांसलर को एक तरह का डिस्क्रेशन मिल जाता है। हो सकता है उनके ऊपर यही दबाव है कि आप क्लियर कट रूल के हिसाब से मत जाइए, इस पर आप डिस्क्रेशन यूज करके इनको फेवर कर दीजिए, और इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। साथियों, यहाँ पे ये मानना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे समाज में, ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। हमारे समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हर तरह के प्रेजुडिसेस हैं, और इस मामले में मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, और ये हमारा इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही है कि इस मामले में, जबकि पूरा डिपार्टमेंट एक साथ है, इस मामले में एक तो बाहर का इंटरफेरेंस हो रहा है, और दूसरा ये है कि डेफिनेटली ये दलित विरोधी कदम होगा, जबकि एक इंडिपेंडेंट हेड का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में जमाने से जो रिप्रेजेंटेशन हमारे 85% पॉपुलेशन को मिलना चाहिए था, चाहे एजुकेशन में चाहे पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो नहीं मिला। और यूनिवर्सिटीज़ में तो और देर में आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन आने से पहले, टीचिंग में रिजर्वेशन आने से पहले 1 in 5 पोस्ट इज मेंट फॉर SC ST का रेजोल्यूशन AC का था, और एक भी दलित टीचर अपॉइंट नहीं हुआ। 8,000 में आपको एक भी नहीं मिलता। जब रिजर्वेशन फॉर्मली लागू किया 1996 के बाद, तभी आना शुरू हुए, और तब भी पूरी यूनिवर्सिटी में ये कोशिश थी कि अंदर ना आ पाए। पहली पोस्ट को एडवर्टाइज करने में, मतलब दो पोस्ट थी तो एक ही पोस्ट एडवर्टाइज की, ताकि सिंगल पोस्ट पे 40-point रोस्टर था, पहली पोस्ट रिजर्व थी, लेकिन वो एडवर्टाइज करने में अगर सिर्फ अकेली पोस्ट थी तो रिजर्व नहीं होगा। तो पहले राउंड में सारे कॉलेजेस ने कई वैकेंसी होने के बावजूद सिर्फ एक पोस्ट एडवर्टाइज की कि कोई भी ना आए। उसके बाद लाख कोशिश के बावजूद कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनी। जब दूसरी बार टाइम आया, फिर उस टाइम पोस्ट बेस्ड रोस्टर आ गया, और पोस्ट बेस्ड रोस्टर में आपका पोजीशन नंबर 7 पे शिफ्ट हो गया SC का, तो और ज्यादा लंबा समय लगने लगा। बाकी सब हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये पक्की बात है सिलेक्शन कमेटी में सेलेक्ट होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, और लोग थक के फिर चले जाते थे IAS में या कहीं और नौकरी में। तो इस तरह से प्रेजुडिस जो है वो एक रियलिटी है, उसे हमें मानना पड़ेगा। और इसके पीछे जो मानसिकता है, अगर सरकार से दबाव आ रहा है, ये डिपार्टमेंट से दबाव नहीं आ रहा, हमारी यूनिवर्सिटी में अब मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एक समझ बन गई है, और ये समझ आ गया है कि ये हक है हमारे जो लोगों को बाहर रखा गया उनका। तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की पोजीशन लेंगे लोग, लेकिन जो सरकार चला रही है, जो पार्टी चला रही है सरकार को, उनकी मानसिकता हमें मालूम है कि हर दूसरे दिन कहते हैं रिजर्वेशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। उनकी क्या मानसिकता है वो मनुस्मृति से पता चल जाता है। तो साथियों, वहाँ ये कोशिश लगातार होती है, ये भी है अपने लोग हर जगह लगाओ, हर जगह इंटरफेयर करो। अपॉइंटमेंट अभी जो होने वाली है उसमें सिलेक्शन कमेटी को 100% वेटेज, और
इस तरह की चीजें गेस्ट अपॉइंटमेंट में भी पूरी परमानेंट सिलेक्शन कमेटी जाएगी और उनके थ्रू इंटरफेरेंस होगा, तो अपने लोगों को लगवाना हर जगह, ये इनकी मानसिकता है। तो साथियों, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से मैं और हम लोग आपके साथ हैं, और इस मामले में हालांकि दूसरा पक्ष भी एक दफा सुनना पड़ेगा भाई उनका क्या कहना है। मैं कंफेस करूं कि उनकी बात मैंने अभी नहीं सुनी है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये पूरी तरह से एक साजिश लग रही है और हमें जम के इसका मुकाबला करना है। और मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी को रूल के मुताबिक प्रोफेसर शिवराज बेचैन जी को यहाँ पे एकदम घोषित कर देना चाहिए कि वो हेड हैं। और अभी सुना है कि इन्होंने टाइम लेने के लिए जो पुराने हेड थे उनका एक्सटेंशन कर दिया है प्रोफेसर मोहन का, कि वो हेड कंटिन्यू करें। कम से कम उन्होंने रूल का उल्लंघन करके जो दावा कर रहे हैं उनका अभी उन्होंने नहीं माना, वो तो बहुत ही गलत कदम होगा। और वाइस चांसलर साहब को मैं इधर से चेतावनी देना चाहूंगी आप सबके माध्यम से कि ये ऐसा गलत कदम ना उठाएं। बहुत सारे गलत कदम ऑलरेडी उठा चुके हैं, 28 अगस्त की चिट्ठी बहुत ही गलत कदम है, और भी कई ऐसे कि प्रोफेसरशिप जो हमारे यहाँ सारी प्रमोशन रुकी हुई है और कई चीजें, लेकिन ये वाला कदम जो होगा ये एकदम मतलब रूल के खिलाफ, और आपकी एक मानसिकता को फिर हम लोग ये भी मानेंगे कि आप भी उसी मानसिकता का शिकार हैं जो अभी रूलिंग पार्टी जिस मानसिकता का शिकार है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।